सदन में जोरदार भाषण से ठीक पहले नियाज खान पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की संस्कृति, संस्कार, समृद्धि की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आप निराश नहीं होंगे। हर राज्य, हर शहर, हर एक गांव की अपनी खूबसूरती और खासियत है। ऐसे में जब बात अरुणाचल प्रदेश की हो तो फिर ये सारी चीजें थोड़ा और आगे बढ़ जाती है। जी हाँ, चावल, मक्का, बाजरा, गेहूँ, दलहन, गन्ना, अदरक और तिलहन के लिए मुख्य रूप से मशहूर अरुणाचल प्रदेश पहाड़, नदी और हरियाली के लिए भी खूब वाहवाही पाता है। यहाँ की खूबसूरती देखने की ही नहीं बल्कि महसूस करने की भी चीज है। जितना सुंदर ये राज्य देखने में है उतना ही खास इसका इतिहास भी रहा है। इसी इतिहास को अरुणाचल रंग महोत्सव में दिखाया गया। अरुणाचल की संस्कृति को दिखाते इस खास कार्यक्रम की तारीफ न सिर्फ अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू, डिप्टी सीएम चाउमे, असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने की बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी इसके कायल हो गए। जितनी खूबसूरती से सभी कलाकारों ने कला का प्रदर्शन किया उसकी तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने भी लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। पीएम मोदी ने इस प्ले की कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, अरुणाचल रंग महोत्सव इज मोर देन जस्ट अ प्रोग्राम, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिच कल्चरल टेपेस्ट्री, इट अलाइंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, गुड टू सी दिस प्रोग्राम बीइंग हेल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड गुवाहाटी। पीएम ने अपनी ये बात अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखी। पीएम मोदी ने जिन कलाकारों की तस्वीर को साझा किया उसमें से एक शख्स नियाज खान भी थे। नियाज खान ने इस रंग महोत्सव में एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल प्ले किया। नियाज समेत सभी कलाकारों की कला ने हर किसी को ऐसा कायल किया कि जिसने भी इस प्ले को देखा वही इतिहास में खो गया और उसे जीने लगा। वो कहते भी है ना कि एक कलाकार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जिस किरदार को वो निभा रहा है उसको वास्तविकता दे दे। बस फिर क्या, इन तमाम कलाकारों की मेहनत को देख पीएम मोदी ने भी भर भर कर तारीफ कर दी। पीएम ने तारीफ के साथ जिन तस्वीरों को शेयर किया उसमें नजर आए नियाज खान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पीएम मोदी ने जिस तरह से कलाकारों का हौसला बढ़ाया उसे लेकर नियाज खान ने क्या कुछ कहा जरा सुनिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात से और ज्यादा खुशी होती है, ऐसा लगता है कि आपने जो मेहनत की है वो रंग लेकर के आया है। और इस फेस्ट को लेकर के जैसा कि गुवाहाटी में हमारा भी फेस्ट चल रहा है, बहुत सारे नाटक अभी होने बाकी हैं और आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा, अरुणाचल के सीएम डिप्टी सीएम वहां पे आए थे इनॉग्रेशन में, उन्होंने इनॉग्रेट किया, लोगों के कला की सराहना की। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हमारे फेस्ट को लेकर के ट्वीट किया तो ये बहुत ही सभी कलाकारों के लिए बहुत ही गर्व महसूस करने वाला वो पल था और सभी कलाकार काफी खुश हैं। और इसके साथ साथ मैं भी बहुत खुश हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी कला को सराहा और जिस तरीके से अरुणाचल के कल्चर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको लेकर के पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि ये सभी कलाकारों के लिए काफी खुशी का कह सकते हैं कि मौका है। पीएम से मिली तारीफ पर कलाकार कांगसा ने कैसे अपनी खुशी जाहिर की वो भी सुन लीजिए। हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है जो पीएम सर ने हम लोग का ये इस थिएटर को और रंग महोत्सव को लेकर उसने ट्वीट किया है। ये बड़ी खुशी की बात है, उसने उस चीज को लेकर हम सबको बधाई दी है और तारीफ की है, तो हमारे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है। और सबसे पहले मैं अपना अरुणाचल गवर्नमेंट को थैंकफुल कहना चाहूँ, उन लोगों की बदौलत आज हमारा जो ये अरुणाचल की फेस जो है सभी की आगे आ रहे हैं। और पहले तो ऐसे है कि हम लोग अरुणाचल लोगों को इतना खास लोगों की फेस नहीं आता, तो आज पीएम सर ने भी हम लोग को ट्वीट किया, तो हम सबके लिए ये बहुत गर्व की बात है और हम बहुत खुश हैं। प्ले में शानदार एक्टिंग से सभी का दिल जीतने वाली कलाकार सोनम भी पीएम के ट्वीट से काफी खुश नजर आई। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सोनम और मैं अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और इस अरुणाचल रंग महोत्सव फेस्टिवल में मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे काम करके प्ले करके बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि
हम लोग जो है ना यहाँ अरुणाचल से फास्टन बाहर निकला और अपने कल्चर को पूरा रिप्रेजेंट करे पूरे इंडिया में, और इसे पूरा करने के लिए हमारे जो डायरेक्टर है रिकेन सर, उसी के थ्रू से हम सब ये प्ले कर पाया है क्योंकि ये उसी का प्रोजेक्ट है। और इसको साथ देने में सीएम सर, हमारे जो पेमा कांदू सर है और डिप्टी सीएम, उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया है। उसी की वजह से हम ये सब आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसी के थ्रू से होके ये प्ले निकला है, तो उनकी वजह से हमें ये काम करने का मौका मिला और सभी को दिखाने का मौका मिला। उसी के साथ साथ हमारे जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कल ट्वीट किया है हमारे शो को लेके, तो हमारा जो खुश जितना खुश होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा खुशी हुआ। अभी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश है, सो थैंक यू सो मच। अरुणाचल के इतिहास को जनता तक पहुंचाने वाले और इस प्ले के डायरेक्टर रिकेन ने कितनी मेहनत से इसे बनाया, जरा वो भी सुन लीजिए। अरुणाचल रंग महोत्सव ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का इनिशिएटिव है। चार नाटकों का फेस्टिवल है जिसमें तीन जो है अनसंग हीरोज पे हैं, जो अरुणाचल के अनसंग हीरोज, अरुणाचल के जो लोग, अरुणाचल की कम्युनिटी जो ब्रिटिश के साथ लड़े थे उनका कहानी है। और एक जो है अरुणाचल कैसे बना, अरुणाचल जब स्टेट बनने से पहले उसका वो कैसे थे और आज किस दौर पे है और कहाँ किस तरफ हम जा रहे हैं, कितना डेवलपमेंट और कितना हम कल्चरली भी रिच हुए हैं या फिर टूरिज्म सेक्टर में बाकी चीजों में, उसके बारे में है। और ये अरुणाचल रंग महोत्सव का जो हम चार सिटी टूर का हमने प्लान किया था, तो उसके बदौलत हम ये तीन सिटी तो कर पाए, खत्म हो गया, अब फाइनल स्टेज पे है हमारा। अभी दो नाटक आज हो जाएगा, एक तीसरा नाटक आज होगा और कल लास्ट नाटक होगा। तो हम पहले दिल्ली में गए थे, दिल्ली में 13 तारीख में गए जुलाई का, और वहां हमने शो किया 18 से 21 तारीख। उसके बाद फिर हम मुंबई गए, फिर उसके बाद हम कोलकाता गए। बहुत सक्सेसफुल शो रहा, लोगों ने बहुत प्यार दिया। अब हम गुवाहाटी में कर रहे हैं, गुवाहाटी में बहुत अच्छा हमारा नाटक गया। यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर अरुणाचल के पेमा खांडू जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जोनामन जी और हिमंत बिस्व शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर आए थे। और सबसे बहुत बड़ी खुशी की बात क्या है कि इस फेस्टिवल को लेकर हमें हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया, वी आर वेरी हैप्पी। और कहानी ये है हम क्यों कर रहे हैं ये नाटक और टूर क्यों कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के बारे में और खासकर अरुणाचल के बारे में लोग सुनते होंगे, चाइना ये कर रहे हैं, आ रहा है, और चाइना ने ये किया वो किया, ये सब चीजों के बारे में सुनते हैं, लेकिन कल्चरली हम लोग कितने रिच हैं। तो उस चीजों को हम एक एक्सचेंज प्रोग्राम हम दिखाना भी चाहते थे कि हम मेनलैंड, हमारे जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो मोदी जी का नारा है, तो उसके तहत हम ये पहुंचना चाहते हैं कि हम भी उतने ही इंडियन है, हमारा कल्चर भी उतना ही रिच है, और हम दिखाना चाहते हैं अपने नीचे जो भाई भाई बहन है कि हम कितने हमारा कल्चर डिफरेंट है, हम कितने वेवरेंट है। उस पहल के तौर पे हम लोग यहाँ ये शुरू किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपको बता दें जिस नियाज खान की कला के मुरीद देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, वो नियाज खान आपके पसंदीदा चैनल NMF न्यूज में बतौर एंकर ही काम करते हैं, अक्सर आप तक वो खबरें पहुंचाते हैं। ऐसे में NMF न्यूज ने नियाज की कला को समझते हुए उनका किस तरह से साथ दिया, वो भी आप नियाज की जुबानी सुनिए। अरुणाचल रंग महोत्सव फेस्ट में मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो ब्रिटिश ऑफिसर का कैरेक्टर है, डेविड स्कॉट का कैरेक्टर है। और इसके लिए मुझे जो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं रिकेन सर, उन्होंने अप्रोच किया था, जिसके बाद मैं इस पूरे प्ले का हिस्सा बन पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, और वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब कुछ पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ मेरे बॉस की वजह से हो पाया। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं NMF न्यूज़ में वहाँ पर काम करता हूँ, वहाँ पर मैं न्यूज़ एंकर हूँ, और इसके साथ साथ मैं थिएटर भी करता हूँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। और जैसे ही ये मौका मिला मुझे रिकेन सर के थ्रू कि एक कैरेक्टर है प्ले करना है, इंटरेस्टेड हो, एक महीने का टूर है, तो मैं तो काफ़ी घबराया पहले कि एक महीने का टूर मतलब कि एक महीने की छुट्टी, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑफिस जो है आपके दूसरे काम के लिए एक महीने की छुट्टी देगा। लेकिन मैं इसके लिए
तहे दिल से अपने बॉस विवेक खेतान सर का शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने एक महीने की मुझे छुट्टी दे दी और बड़ी खुशी से उन्होंने कहा कि तू जा कर। मतलब इतना सपोर्ट कहीं से मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि अगर मैं किसी दूसरे ऑफिस में होता, काम कर रहा होता और मैं ये कहता कि मेरे को ये काम करना है, एक महीने की छुट्टी चाहिए, तो वो सीधे मुझसे ये कहते कि एक महीने की छुट्टी चाहिए तो या तो तुम वो काम कर लो या तो तुम ऑफिस रह लो। लेकिन मेरे बॉस इतने सपोर्टिव हैं कि उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही बोला कि ठीक है जाओ कर लो। मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई, मैं उनका काफ़ी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ जो भी मेरे टीम में काम कर रहे हैं, NMF न्यूज़ में काम कर रहे हैं, टीम के लोग सीनियर्स हैं बहुत सारे, सब ने बहुत खुले दिल से सपोर्ट किया है और इसके लिए मैं सब पूरे ऑफिस के लोगों का बहुत ही बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास करके मैं अपने बॉस विवेक खेतान सर, हमारे चैनल हेड उमर सर और भी जितने भी सीनियर हैं उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इतना सपोर्ट करने के लिए। नियाज खान और बाकी सभी कलाकारों की प्रतिभा को जिस तरह से पीएम मोदी ने सराहा, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? इसी के साथ साथ इस कला पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।